हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपको ऐसे प्लांट्स दिखाऊंगी जो कि 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ नर्सरी से प्लांट्स परचेस किए हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं कलर्स में और बहुत ही खूबसूरत हैं, और जो कि आपको ये भी बताऊंगी कि ये प्लांट्स जाड़े में जो तो चढ़ते हैं, फिर गर्मी में उनको कहाँ रखना चाहिए ताकि ये आपके गार्डन में सालों साल बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है ये इम्पैशन। ये बहुत से कलर्स में आते हैं। मुझे रेड चाहिए तो मैंने रेड लिया, उसमें बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप में इनकी लीव्स बर्न हो जाती हैं और फ्लावर्स भी बहुत जल्दी गिर जाते हैं, इसलिए इसको शेमी शेड एरिया में रखा जाता है। मैंने भी इसे शमी शेडी एरिया में रखा है। अभी वीडियो बनाने के लिए इसको बाहर लाई हूँ धूप में। अभी मैं इसको फिर से प्लेस कर दूँगी गर्मी शेडेड एरिया में। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें ना खूब गुच्छे गुच्छे में फ्लावर्स खिल रहे हैं, वो जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। सेकेंड नंबर पर है जीनिया। जीनिया भी विंटर प्लांट है, पर हम इसको गर्मी में इसको फ्लावरिंग कर सक हो सकती है अगर इसको भी हम शेमी शेड एरिया में रखें तो। जैसा कि आप देख रहे हैं कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए और कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खिले खिले येलो कलर्स, कितना प्यारा कलर्स आया है फ्लावर में, बहुत ही खूबसूरत है। इसको भी आप शेमी शेड एरिया में रखिए, आपके गार्डन में बना रहेगा। थर्ड नंबर पर आता है डैंथस। ये बहुत से कलर्स में आता है, अनगिनत कलर्स हैं इसके, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। एकदम पेंसिल की छिलके जैसे, जब पेंसिल को शार्प करिए तो एक साइड से जैसे निकलता है ना, सेम वैसे ही लगता है ये देखने में। और इसका ये जो रेड कलर है बहुत अच्छा है। इसकी लीव्स मतलब पतली पतली लंबी लंबी है। आपने अक्सर देखा होगा कि रेनी सीजन में काफ़ी जगह पर ऐसे ऐसे घास फूस आते हैं, तो इसमें भी थे। मैंने सोचा था शायद ये इसी का ही प्लांट है, बट वो ऊपर से जब हमने देखा कि नहीं ये वो नहीं है, तो मुझे वो सबको कट करके हटाना पड़ा। और अगर इसके जब फ्लावर्स ना सूख जाए तो उसके फ्लावर्स को हटा दीजिए, नहीं तो ये शीट बनाने लग जाता है। और अगर आपको शीट्स चाहिए इसकी तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। ये देखिए हमारा विंका का मैंने इसमें 30 रुपीज़ करके लिया है और 3 प्लांट्स मैंने इसके लिए हैं। कलर्स थोड़ा सा सिमिलर है, बट एक रेड में है जो कि अभी शायद धूप की वजह से सेम कलर लग रहा है। आप शायद वीडियो में कलर ठीक से आ नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। और ये रहा मेरा डहलिया। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसका फ्लावर ही देखिए, इसका साइज देखिए आप, कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है। एक फ्लावर ही आपके पूरे गार्डन में अलग से दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत है। ये तो अब स्पेंड हो रहा है, सूख रहा है। अब ये दूसरे एक कली है जो कि अभी खिलेगी, अब धीरे धीरे खिल रही है वो भी। ये भी शेमी शेड एरिया में अच्छे से चलता है। आप इसको शेमी शेड एरिया में ज़्यादा तेज़ धूप पे मत रखिए, शेमी शेड एरिया में रखिए। हल्की धूप सुबह की मिल जाए वो बहुत है इसके लिए। इससे फूल जल्दी मतलब मुरझाता नहीं है और गिरता भी नहीं है। और देखिए इसे कि इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इस एक स्टिक से ना नर्सरी वालों ने इसको सपोर्ट दिया है स्टिक से, जिसकी वजह से ये टिका हुआ है। बहुत कलर्स होते हैं इसके भी, येलो येलो। धीरे धीरे करके मैं भी इसके सारे कलर्स लाऊंगी और फिर आपसे साथ शेयर करूंगी। ये देखिए हमारा येलो गुलाब। येलो गुलाब की बहुत दिनों से मुझे तलाश थी, और आपको आश्चर्य होगा जान के कि ये गुलाब मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ में मिला है। है ना आश्चर्य की बात। बट क्या है ना कि जरा सा इसकी कंडीशन जरा सा ख़राब है, पर मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैंने ले लिया। मैंने सोचा इसको मैं ठीक कर लूँगी, क्योंकि मैंने देखा ना कि इसके नई नई शूट्स निकल रही हैं। आप भी देख सकते हैं, पास से देखिए, इसके नई नई शूट्स निकल रही हैं, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद थी कि ये प्लांट चल जाएगा कुछ दिनों में। मैं इसके ऊपर से जो बर्ड जो खिल नहीं रही है इसको मैं काट दूंगी, और नीचे से जो नई शूट्स निकल रही हैं वो फिर आगे चल के हमारे लिए बहुत अच्छा प्लांट बन जाएगा। इसका नर्सरी वालों ने इसको देखिए राइस कर्स पे ग्रो किया है,
और राइस कुकर में पानी की कम ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक बार पानी दिया तो 2 दिन 3 दिन बाद मैं इसमें पानी देती हूँ। है ना बहुत ही अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि 50 रुपीज़ में मैंने ये सारे प्लांट्स खरीदे। 50 रुपीज़ से कोई भी प्लांट मेरा ज़्यादा नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं, नए जानकारी और नए चीज़ के वीडियो के साथ आपसे शेयर करूँगी फिर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।